प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर वो फाफामऊ विधानसभा में चुनावी जनसभा भी करेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमें हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से वो देंगे। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहीं पर प्रयागराज से सार्थक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं पर अमेठी से अगर हम बात करें तो अमेठी से विजय सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप आपी का रुख करते हैं, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जनसभा होनी है, रैली हो रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ तैयारियां? देखिए अगर बात करें तो निश्चित रूप से लखनऊ हैंड से जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उनका जो प्रोटोकॉल है मनीषा बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, तो निश्चित रूप से जो उनका प्रोटोकॉल है, जो उनके कमांडो है, जो उनका SPG दस्ता है या फिर जो LIU की जो भी रिपोर्ट है वो सब कुछ ओके है। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में है, 27 तारीख को वो बनारस में है, तमाम ऐसे जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था सारी चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, इसके अलावा PSC है, सिविल पुलिस की तैनाती है, तो जो एक मानक होना चाहिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का वो पूरा मानक जो है जिला प्रशासन पूरा कर चुका है। जी मनीषा, ठीक है। सार्थक, प्रयागराज में आज उनकी विधानसभा सीटों पर जो जनसभाएं हैं वो होनी है, 12 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके कार्यक्रम को लेकर? देखिए प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, ऐसे में ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा, वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक बड़ा बड़े पैमाने पर देखा जाता है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी पूर्ण कर ली गई है, किस तरह की अनहोनी न हो उसका खास ध्यान दिया गया है, जिस तरह से तेजस्ता होता है और बाकी का जो कमांडो का प्रोटोकॉल होता है उन सबको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रशासन ने व्यवस्था की है, और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे इसमें। ऐसे में जब यूपी में चुनाव का दौर चल रहा है, इस बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पे जो है आज आ रहे हैं और प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनाव प्रचार एक तरह से आप कह सकते हैं, तो चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज आ रहे हैं। ठीक है, विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से, हमारे सहयोगी विजय, अगर यहाँ पर बात करें अमेठी में कितने बजे तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे जनसभाओं को संबोधित करने के लिए? और यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं और उनके जो वाहन से जिस वाहन से वो हेलीपैड से उतरकर मंच तक पहुंचेंगे वो गाड़ियां भी यहाँ आ चुकी हैं और पूरी तरीके से प्रशासन के चप्पे चप्पे पर नजर है। लेकिन इसी बीच अगर प्रदीप ये जानने की कोशिश करें कि कितनी अगर प्रोटोकॉल्स का पालन आपने बताया कि पूरा करना होता है, चाहे वो वाराणसी की बात कर ली जाए, प्रतापगढ़ में भी आज उनकी जनसभा होनी है, ऐसे में प्रयागराज में भी आज वो विधानसभा सीटों पर जाएंगे जहां पर वो लोगों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरीके से प्रभाव प्रधानमंत्री का देखने को हर बार मिलता है, क्या इस बार भी लोगों के बीच में उतना ही उत्साह, उतना ही प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें तो अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के बाद जो वंदना पटेल हैं समाजवादी पार्टी की सिराथू प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की स्थिति वहां पर खराब है, कहीं ना कहीं से मोदी को सुनने के लिए और मोदी को समझने के लिए जो लोगों का हुजूम आता है वो वैसे ही नहीं आता है, जो भीड़ आती है वो वैसे ही नहीं आती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को जो है रखा जाता है वहां पर जो जनता आती है वो सीधे मोदी से जुड़ती है और मोदी जनता से जुड़ते हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में जो शुरुआत करते हैं स्थानीय भाषा में शुरुआत करते हैं और ये बहुत बड़ा मंत्र है, किसी के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा मंत्र है, वो जहां जहां भी वो सभा करते हैं मनीषा वहां पर वो उस भाषा में स्थानीय भाषा में संबोधन शुरू करते हैं और यही कारण है कि मोदी जो है सबके लिए प्रिय हो जाते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से, वो कहीं ना कहीं लोगों को उनका जो किस तरीके से कहे कि अगर प्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग से छवि है कि वो जहां जाते हैं लोगों को अपना बना लेते हैं और उन्हीं की स्थानीय भाषा में जब उनसे संवाद करते हैं तो लोगों के अंदर जो खुशी और जो उत्साह होता है वो देखने को बनता है। प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए, विजय आपसे भी आगे जानकारी लेते रहेंगे, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।